हेलो जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज मेरे से पहले फिर कमो तैयार हुआ था और अंशी ने आटा मारने का काम शुरू कर दिया, और कल को आ रहे हैं मामा जी अंशी के घर पे, और ये कह रही कि चाचा जी पकौड़ी बनवा देना उनके लिए। तो इसको पकौड़ी बहुत पसंद है अंशी को। इधर वो भी खड़ी हुई है और घूम रही है, टहल रही है, और हमारी जो बिटिया है वो इसको काम करने नहीं देती है, और इसको ना अभी काम करने के लिए मैंने भी कर रखा है। कुछ महीने तक ये काम नहीं करेगी, और सभी लोग करते हैं कि आप वीडियो बना लेती हो, काम नहीं करते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वीडियो मैं बनाता हूँ। ये तो सिर्फ थोड़ी बहुत बोल लेती है और थोड़ा बहुत कभी कभी बना लेती है, नहीं तो इसको ज़रूरत नहीं है, मैं ही बनाता हूँ उसकी वीडियो भी। कुछ दिन बाद यही बनाना शुरू कर देगी, मैं अपना ऑफिस का काम परमानेंटली देखना शुरू कर दूंगा। और मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि मेरे लिए पानी रख जाओ, पानी रख जाओ नहाने के लिए। तो इसके लिए मुझे पानी रख के आना बाथरूम में, वो भी काम मेरा ही है। मैं बाथरूम में बड़ी बाल्टी भर के पानी की रख के आता हूँ, गर्म की, ठंडा तो वहाँ चलता ही है। अभी वजन उठाने से इसका मना है, और डॉक्टर तो कहते सब कुछ कर सकती है, पर अभी हम इतनी जल्दी नहीं मानेंगे उनकी बातें, कुछ दिन बाद ही खाएंगे। 2 महीने का तो रेस्ट चाहिए चाहिए कम से कम। 2.5 महीने हो गए। अंशी ने किचन में आके आटा गूंदना शुरू कर दिया है खाना बनाने के लिए, और सीटी लग गई है। इधर मम्मी हाथ जोड़े बैठी हुए हैं, क्या प्रार्थना कर रही हूँ मम्मी? अरे मैंने भाई भाई रोंगी ठीक हो जाए बेचारी। अच्छा, लड़की के लिए प्रार्थना चल रही है, हाथ जोड़ के बैठी हुई कि लड़की ठीक हो जाए। लड़की को गैस बनता रहता है, और कभी कभी बिल्कुल अच्छी रहती है, और कभी कभी रोने लगती है। परी और कन्नू दोनों जा रहे हैं खेलने के लिए परी के घर, और ये वाकई में इस मोहल्ले की परी है, और पढ़ाई में भी ये बहुत परी है, सबसे अच्छी होशियार है, सबसे तेज है, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं ना उन सब में से होशियार है लड़की परी। अब ये मेरठ पढ़ती है, गांव का स्कूल तो उसने छोड़ दिया है, और कन्नू को खिलाने के लिए लेके जा रही है। कन्नू ने पटाखे जेब में रख लिए, और वहाँ पटाखे भी पटकाएंगे जाके, ये पटकाने मत देना पटाखे। तो और ये सभी से राम राम नहीं कहती, नमस्ते नहीं कहती, जय श्री राम बोलती है सभी से, ये इसकी आदत है, और इस पे सारी चीज़ इसकी याद रहती है, गायत्री मंत्र याद रहते हैं, और क्या क्या याद है आपके? हनुमान चालीसा, सब चीज़ इसने याद कर रखी है। और कन्नू को क्या याद है भाई? गायत्री मंत्र। क्या याद है आपके? कन्नू के सिर्फ अभी गायत्री मंत्र याद है। इधर जाते जाते पिताजी के पास जा रहा हूँ, आज की पिताजी मेरी छुट्टी है ऑफिस की, पर मुझे फिर भी ऑफिस वालों ने कुछ बुला लिया है, और मुझे जाना पड़ेगा। और शाम को हमारे यहाँ होती है गोवर्धन पूजा, उसको भी पूजेंगे, पर मैं जल्दी जाके और जल्दी आ जाऊँगा, छोटे छोटे से 2-3 काम है, और कुछ घर के लिए सामान भी लेके आ जाऊँगा। घर का सामान जो होता है वो रोज़ ही आता रहता है, कुछ ना कुछ, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है, वो सब आता रहता है। और पिताजी रखेंगे तब तक यहाँ पे ध्यान, और बच्चों के साथ में खेलेंगे, कन्नू जा रहा है परी के साथ खेलने के लिए। ऑफिस जा रहा था, जाते जाते अंशी ने रोक लिया, चाचा जी खाना खा के जाना, और बॉबी भी नहा धो के आ गई है, रेडी हो गई है, सबसे लेट होती है आजकल बॉबी रेडी, और अंशी ने मेरे लिए खाना लगा दिया है, तो अब जब इसने रोका तो खाना खा के जाना ही पड़ेगा। माँ के लिए भी खाना आ गया है, और माँ ये कह रही है कुछ ही दिनों में हमारी बेटिया 2 महीने की हो जाएगी, फिर काम कर रहेगी। मुझे ये नहीं पता कि 2 महीने की होगी काम कैसे करेगी, ये लग रही बढ़िया खेल लग रहेगी, तो काम करवा करेगी, ये काम करवा करेगी, काम करवा करेगी, इसका मतलब ये है। जूली के दो जोड़े, एक साड़ी एक सूट। हाँ, ये सारे कपड़े जूली दीदी के ही हैं, और ये इधर भी, ये इधर साड़ी जो रखी, साड़ी और कुर्ता पजामा भी, और वो पैंट शर्ट का भी, और अब ये शुरू हो गई है पैकिंग, और खील पता से मिठाई वगैरह भी रखेंगे, और वहाँ से लेंगे मार्केट में से ये सारी की सारी चीज़ें, खील पता से और मिठाई, और कपड़ों के जो है बच्चों के पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि फिर छोटे बड़े हो जाते हैं ना, ज़्यादा दूर है तो चेंज भी नहीं करने आ सकते बिल्कुल भी। और इस बार मंजू दीदी ने भी कह दिया है कि नमन के कपड़े लाने की कोई जरूरत नहीं, पैसे दे देना, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कपड़े हो गए। अब सबसे पहले जूली दीदी के कपड़े लगाए जा रहे हैं, फिर मंजू दीदी के लगाए जाएंगे, और फिर ये प्रस्थान करेंगे देहरादून की साइड भाई साहब, और भी बोर्ड जाएगा यहाँ पे, और कन्नू के पापा रहेंगे घर पे, क्योंकि मैं तो टीका करा के पहले ही आ गए, और बस हमारे यहाँ पे गेस्ट भी आएंगे। ये मम्मी लेकर के बैठी है छोटी सी बेबी को, और जो है कपड़े वपड़े हमारे सूख भी गए हैं, कुछ कुछ और धुला धो दिए हैं, और ये देखिए मंजो दीदी जो जूली दीदी का बैग पैकिंग हो गई है, बस अंशी ने कर दिया अच्छे से पैकिंग, और बस अभी मंजो दीदी की भी कर देंगे बैग पैकिंग, तो कुछ सामान लेकर के जा रहे हैं, कुछ रास्ते में से लेंगे, और यहाँ पे मुझे विभोर ने गोबर ला करके दे दिया है, तो उस गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाना है, और कोई नहीं बनाएगा, मैं ही बनाऊँगी। मुझसे हल्का फुल्का सा बनाना आता है, जिस तरीके बनाना आता है मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि किस तरीके का गोवर्धन पर्वत बनाते हैं हम। अभी अभी आए हैं हम ऑफिस से, और मैंने आते ही देखा कि चलने की तैयारी हो गई है। एक तो लोकेश भाई वो तो चला गया है लेके, भैया दोस्त देहरादून जाएगा, तो थोड़ा सा लंबा सफ़र है, एक दिन पहले जा रहे हैं, और आज
जो विभोर है वो भी नहीं माना, विभोर भी कह रहा है मुझे भी पहले जाना है एक दिन। तो विभोर भी रेडी हो गया है चलने के लिए, बस अपने जूते वूते की सेटिंग कर रहा है, शायद समझ नहीं आ रहा कुछ, तो पैंट सब पहन के रेडी हो गया। और आज ही जाएगा अकेला इस बार भैया दोस्त लेके। और किन के यहाँ जाएगा? मंजू दीदी के यहाँ जाएगा। इधर बॉबी ने ठान लिया है कि आज मुझे गोधन कुछ अलग तरह की बनानी है, जैसे हमारे यहाँ पहले बनती थी ना, उसमें बदलाव कर दिया, चेंजिंग ला दिया। और अभी कार्य चल रहा है, तो जब अच्छी तरह से बन जाएंगी तब देखेंगे हम कैसी लगेगी ये, तो देखते हैं जी। आज जब देखो मुझे ताकत दिखाता रहता है कन्नू अपने, देखो मैं एक हाथ से उठा देता हूँ इतना भारी सामान, ये 2 किलो का सामान ये एक हाथ से उठा देता है, तो ये ताकत दिखाता रहता है मुझे, कितनी ताकत है हम में। और जो आते हैं वेदांत हरियांश वो उसको डरा देते हैं। अंशी सीख रही है कि गोधन कैसे बनाई जाती है, और आज सीख ही लेगी, थोड़े बहुत तो सीख ही लेगी। आज भैया दूध लेके जा रहा है और वो भी अकेला जा रहा है। और कौन सी बुआ के जा रहा है? मंजू बुआ के जा रहा है ये लेने। वो कुछ भी पिटे मारे छेते धमकाए कुछ भी करे, पर है तो हमारी बुआ ही ना, भगवत भैया दोस्तों में देनी पड़ेगी ना, हैं? बताओ। नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं करा करते, है ना। वाने का अगर तेरा पिटन लगेगी तुझे धमकान लगेगी तो वाने का भैया दोस्त नहीं देने का है? वाने का दे देगा पर बुआ का देने का है ना भाई, ठीक है। बुआ का देने के लिए अक्षितर विभोर है, वे दे देंगे, ठीक है। नहीं, मैं जाने को है? आपकी बात सुनने गई नहीं है विभोर को, रोक रहा विभोर मत जाइए तो बुआ के पास, वो पीटती है। हाँ वो पीटती है इसको, लाड़ भी तो कराया बुआ ना। विभोर का रास्ता रोक लिया, पूजने की तैयारी शुरू कर दी है, और गोवर्धन भी पूरी मन गई है। सबसे पहले बैठे पिताजी पूजने के लिए, और सभी लोग आने वाले हैं धीरे धीरे। और देखिए जी गोवर्धन कैसी बनाई है, ये गोभी ने बनाई है। ये कह रहा है कि ये भगवान जी के पास ये डंडा क्यों रखा गया है? बेटे ये हमारे यहाँ की परंपरा होती है, रीति रिवाज होते हैं, हम इसी तरह से करते हैं। और आपका मैं देख रहा हूँ पिछले 4 दिनों से आपका पूजा में कोई ध्यान नहीं है, ये आपकी बहुत गलत बात है। आपका सारा का सारा ध्यान पटाखों में जा रहा है ना। आप न तो भगवान जी का आगे हाथ जोड़ रहे हो, और न हमारे साथ में पूजा में बैठ रहे हो, ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? दादी मैं पूजा में बैठता था ना, हाँ? बहुत ज्यादा देर हो गई थी, अच्छा जो जब आप पूजा में बैठे थे बहुत ज्यादा देर हो गई थी आपको, इसलिए आप अपने आमने बैठना छोड़ दिया। तो ये क्या बात हुई, पूजा में बैठे तो देर हो गई तो क्या बात हुई? पूजा में बैठते है बेटे। अभी भैया दोस्त लेकर आ गए है अंशी के मामा का लड़का, और जोनी नाम है। तो जी हम अभी बस उसके लिए चाय नाश्ता बना दिया है अंशी ने, और चाय नाश्ता उनको करवा रहे हैं, और वे जल्दी आ गए हैं क्योंकि उन्हें सुबह कहीं और भी जाना होगा, इनकी ससुराल भी हमारे घर के पास ही है। आप नाश्ता कर लो, है ठीक है, लो नाश्ता करो, मैं भी करता हूँ। इधर माँ ने कर दिया है दही जमाने का काम शुरू, और मम्मी दही इस तरह से जमाती है, पहले दूध को पका के और बहुत अच्छी तरह से तोड़ती है, उससे ठंडा भी हो जाता है इस तरह से। ये फोन देख लिया? नहीं फोन मैंने बस वैसे देखा, अभी देख रही थी ये शॉर्ट्स, और इसका भी मन सा लगा रहा है जब शॉर्ट्स चलते रहे, है ना। वानी का तो आज बिल्कुल थोड़ी थी, अभी बहुत रो के थक गई है, रो रो के हाँ यार, मुझे नहीं पता इस बात का। पिताजी का टीवी चल रहा है, और लेटे हुए आराम से टीवी देख रहे हैं, और अभी तक घर में जो है सब लोग जगे हुए हैं, काफी लेट हो चुके हैं क्योंकि जल्दी सोएंगे
तो जब भी जल्दी उठेंगे, पर मुझे लग रहा है कल ये लेट होंगे क्योंकि कल है भैया दोज। तो भैया दोज पे सभी लोग चले गए, भैया भी चला गया और विभोर भी चला गया, मैं सिर्फ रुका हुआ हूँ। मैं पहले चला गया था और इसी वजह से रुका हूँ क्योंकि घर पे गेस्ट काफ़ी आएंगे और उन गेस्टों का स्वागत करने के लिए और उनको ध्यान रखने के लिए तो कोई तो चाहिए। और बाकी जो भैया दोज ले गए हैं ये भी सुबह सुबह लौट के आ जाएंगे। एक बार फिर दिखा देते हैं आपको, इस तरह से ये बनी हुई है। और पहले हम थोड़ी मोटी करके बनाते थे, इस बार पतली करके बनाई है अलग तरह से थोड़ी सी। पिताजी का टीवी चल रहा है और पिताजी सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। तो चलिए जी, खैर मैं इनका टीवी बंद कर देता हूँ। और आज विभोर नहीं है घर पे और बड़े भैया भी नहीं है, जिस कारण मन नहीं लग रहा घर पे। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ना छूटा हुआ सा लग रहा है, कुछ खाली खुली सा लग रहा है इस तरह से। और वैसे तो जब घर पे रहते हैं तो दिखते रहते हैं, आज नहीं दिख रहे हैं। और जब मैं नहीं होता हूँ यहाँ पे तो उनको भी ऐसे लगता होगा जैसे आज मुझे लग रहा है। अभी आ गई है रात की चाय की बारी और आज मेरा गला बहुत दुख रहा है, बोबी का भी दुख रहा है और जिसका गला दुख रहा है अंशी का भी। ये सब मिठाई का कमाल है, जो मिठाई खाई है ना इतनी है, अंशी ने इतनी मिठाई नहीं खाई पर फिर भी गला दुख रहा है। तो मम्मी बना रही है आज स्पेशल वाले चाय, रोज अंशी बनाती थी पर आज अंशी के लिए बनाएंगे और अपने लिए बनाएंगे। तो स्पेशल वाली चाय जब बनानी होती है वो मम्मी बनाती है, उसमें काली मिर्च और इलायची और दालचीनी और जी अदरक ये सब कूट के डालती है तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। और एक सोयाबीन होती है उसकी टैबलेट भी डाल लेता हूँ मैं तो कभी कभी चाय में, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। पर वो मुझे लगा शायद मिल नहीं रही, उसको ढूंढता हूँ। एक आध पैकेट रखा हुआ है क्या वो भी रखा हुआ है सोयाबीन का पाउच? नहीं रखा हुआ है। तो चलिए अंशी आराम कर रही है लेट के आराम से और बॉबी के लिए भी चाय बन रही है। तो चलिए जी, और आ गया है निकल के मामा जी का लड़का अंशी के जॉनी। शायद मुझे लगा नींद नहीं आ रही आज, है भाई नींद नहीं आ रही ना? हाँ इसको नींद नहीं आ रही क्योंकि अलग जगह आया ना, तो जब अलग जगह आते हैं तो नींद नहीं आती है ऐसा ना। आ जाएगी नींद, मेरे पास लेट जाना इधर, ठीक है ना, वो चला देंगे। ठीक कह रहा है, कहना ठीक है। तो बहुत ही सीधा बच्चे हैं ये। चलिए जी, खैर इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।